दोस्तों सभी के मन में एक प्रश्न होता है कि एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त पर जन्म लेने पर सभी व्यक्तियों के भाग और कर्म अलग अलग क्यों। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषी की सभा बुलाकर एक प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके, क्यों, इसका क्या कारण है। राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए थे। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न किया, महात्मा क्रोधित हो उठे और कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ी के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई, पहाड़ी के कठिन मार्ग को पार करके उस महात्मा के पास पहुंचे। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है, आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ देर तक जिंदा रहेगा, वो बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बेचैन हुआ और सोचने लगा कि गजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बातें कहीं। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नार सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन मेरे पास भी समय नहीं, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को एक आटे की पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने को बैठे ही थे कि भूख प्यासे तड़पते हुए एक महात्मा वहाँ आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से कुछ मुझे भी दे दो और दया करो जिससे कि मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से में भड़क उठे और बोले, तुझे दे दूंगा तो क्या मैं ये अंगार खाऊंगा, चल भाग यहां से। वो महात्मा मांस खाने वाले भैया के निकट आए और उन्होंने अपनी बात कही। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी उस महात्मा से गुस्से में आके कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुझे दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच के खाऊंगा, भूख से लाचार महात्मा मेरे पास भी आए और मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में दहक खो के कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, क्या मैं भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा राजन आपके पास भी आए और उन्होंने आपसे दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आधा सहित उस महात्मा को दे दी। बाटी को पाके महात्मा बड़े ही खुश हुए, बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं और वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेक फूल खिलते हैं, किंतु सबके गुण रूप आकार प्रकार स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही पैदा होता है। अगर उसने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छी जगह पैदा होगा, और उसने बुरे कर्म कर रखे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ भरी रहेंगी। अगर ये कहानी आपको यूजफुल लगी हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।